बिहार झारखंड समेत इन राज्यों में अगले दो दिन होगी भारी बारिश, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। मौसम का मिजाज बदल गया है। बिहार झारखंड में बारिश के आसार हैं, वहीं पूर्वोत्तर में भारी बारिश का दौर जारी है। यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड सहित कई राज्यों में भारी बारिश होने से कुछ जगहों पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं। अगले दो दिन इसके उत्तरी ओडिशा और दक्षिणी झारखंड की तरफ पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक गुजरात, राजस्थान समेत कई राज्यों में अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात के कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश होने की आशंका जताते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और मेघालय के कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक बीते 24 घंटों में पूरे देश भर में सौराष्ट्र, कच्छ और असम में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक लखपत, सौराष्ट्र और कच्छ में 17 सेंटीमीटर और खोवांग, असम में 18 सेंटीमीटर बारिश हुई। आईएमडी ने लोगों से जल भराव एवं कच्चे रास्ते वाले इलाकों में नहीं जाने की अपील की है। तेलंगाना के कई जिलों के अलग अलग स्थानों पर अगले तीन दिनों के दौरान हल्की बारिश या फिर गरज के साथ बौछारें पड़ने के आसार हैं। विभाग ने अपनी अपडेट में बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून तेलंगाना में कमजोर रहा है। पिछले 24 घंटों में राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश हुई। बंगाल की खाड़ी पर बन रहा चक्रवात 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, चेक करें अपना शहर। झारखंड वेदर अलर्ट, रांची। झारखंड के कई जिलों के लिए तात्कालिक अलर्ट जारी किया गया है। इसके अनुसार अगले कुछ घंटे में यहां के कई इलाकों में वज्रपात होने की प्रबल आशंका है, कई जगह बारिश हो सकती है। रांची मौसम केंद्र ने यह जानकारी दी है। इन जिलों में असर, मौसम केंद्र के मुताबिक इसका असर बोकारो, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, रांची, पाकुड़, साहिबगंज, गढ़वा, पलामू, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम जिले के कुछ भागों में देखने को मिलेगा। आईएमडी अलर्ट, अगले 24 घंटों में इन 10 जिलों में आंधी के साथ होगी धुआंधार बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आईएमडी रेन अलर्ट, देश के अधिकांश हिस्सों में लगातार जारी वर्षा का चरण अब आम लोगों के लिए मुसीबत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ कई राज्यों में मानसूनी आफत पर फिलहाल विराम लगता हुआ नजर आ रहा है और अब थोड़े थोड़े अंतराल में हो रही भीषण वर्षा का दौर अभी भी जारी है। राजधानी दिल्ली में भी बीते दो दिनों से भीषण ग्रीष्म, आम जनता बेहद बेहाल है। गौरतलब है कि यहां दिन भर मेघों की आंख मिचोली का दौर अभी तक बरकरार है। भारत मौसम विज्ञान कार्यालय आईएमडी के अनुरूप पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 24 सितंबर तक और बिहार में 23 सितंबर तक मामूली या भारी और कुछ स्थलों पर धुआंधार वर्षा के आसार जताए गए हैं। राजधानी दिल्ली के लिए मौसम कार्यालय ने 23 सितंबर के लिए हल्की फुल्की वर्षा की प्रबल आशंका जताते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। इसी के साथ 23 सितंबर के पश्चात से दिल्ली NCR में वेदर पुनः साफ हो जाएगा। स्काईमेट वेदर ने उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पश्चिम असम और उत्तर पूर्व बिहार में तेज से मूसलाधार वर्षा के संभवतः पक्के आसार साझा किए हैं। इसी के साथ केरल के कुछ एक भागों में निरंतर वर्षा का दौर बरकरार रहने के दौरान आईएमडी ने शनिवार यानी कि आज 7 जिलों में भिन्न भिन्न जगहों पर वर्षा का तूफानी आगमन हेतु चेतावनी देते हुए वर्षा का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इसी के साथ मौसम कार्यालय ने तिरुवनंतपुरम, कोलम, पथानामथिट्टा, अलाप्पुझा, कोट्टायम, इडुक्की और एर्नाकुलम जिलों में आक्रामक भीषण वर्षा की आशंका जताई है। इसके अतिरिक्त कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड समेत उत्तरी जिलों में आगामी कुछ घंटों में तूफान, भीषण वर्षा और आंधी के साथ बादलों के गरजने का अंदेशा जारी कर दिया है। मौसम कार्यालय ने आज उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, बिहार और असम और मेघालय में भिन्न भिन्न जगहों पर तूफानी से भयंकर व्यापक वर्षा का अंदेशा जाहिर करते हुए लोगों को सावधान रहने की चेतावनी जारी कर दी है। आज पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात क्षेत्र, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, रॉयलसीमा, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में पृथक पृथक इलाकों पर मानसूनी आफत बरसने का संकेत भी जताया गया है। किसी भी क्षण आसमान से आफत बरस सकती है। आपको बता दें कि वर्षा ऋतु के चलते कई लोग निरंतर वर्षा के आगमन से परेशान हो रहे हैं। कई लोगों को मानसून के चलते अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
इन्हीं सब हालातों को मद्देनजर नजर रखते हुए कह सकते हैं कि अब मानसून अपडेट की विदा का वक्त अब नजदीक आ चुका है। वर्षा का सीजन वापस लौटने के लिए पूरी तरह से योजनाबद्ध है। इसी के साथ आईएमडी ने आज अपने अलर्ट में कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के 25 सितंबर के करीब करीब उत्तर पश्चिम भारत से पुनः लौटने की आशंका जताई गई है। विशेष तौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून तक केरल में प्रवेश मारता है और 8 जुलाई तक पूरे देश को ढक लेता है। इसके बाद 17 सितंबर के लगभग उत्तर पश्चिम भारत से वापस घूमना शुरू कर देता है और 15 अक्टूबर को पूरी तरह से अपनी अंतिम विदाई में होता है। काहे आगे पीछे हो रही है पानी मंगा लड़का। मौसम बहुत अच्छा है प्रकाश।